है। प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। कल अगले पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में आपको पूरा डिटेल बता दिया गया था। अब हम लोग इस राज्य की विधायिका का लास्ट टॉपिक है विधेयक। विधेयक इसको इंग्लिश में कहते हैं बिल, के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संघ वाला विधेयक और राज्य वाला विधेयक बराबर है। राज्य वाला विधेयक और अति वाला विधेयक किस प्रकार बराबर है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बताया गया था, याद कीजिएगा कि विधेयक किसे कहते हैं। विधेयक किसी विषय को सदन में प्रस्तुत करना विधेयक कहलाता है। किसी भी विषय को, चाहे वो सामान्य विषय हो, धन संबंधी विषय हो, संविधान से विधेयक हो, यानी कोई भी विषय को सदन में खाली प्रस्तुत किए तो विधेयक हुआ, बिल, बिल हुआ। यही आपको बताया गया था, याद होगा कि विधेयक किसे कहते हैं। तो सदन में विषय को प्रस्तुत करना विधेयक कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, कानून किसे कहते हैं। तो यही विधेयक कानून बन जाता है। कब बनता है? जब किसी भी विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अगर पास कर देंगे तो वह विधेयक क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कानून में। हूबहू राज्य में भी यही है। यहाँ भी विधानसभा, विधान परिषद अगर जहाँ पर है और राज्यपाल अगर पास कर देंगे तो वह विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर संघ क्या पढ़े थे कि विधेयक कानून कब बनता है। तो विधेयक कानून बनता है कब, जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दी जाती है, तब क्या बन जाता है, कानून। बिल, विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल और कानून कहते हैं लॉ। मतलब बिल लॉ के रूप में कब कन्वर्ट होगा, जब तीनों पास कर देंगे तब। ठीक इसी प्रकार राज्य में भी विधेयक कानून कब बनता है, जब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के द्वारा पारित कर दी जाती है। देखिएगा, फर्क समझिएगा। यहाँ विधेयक केंद्र में ये राज्य में, केंद्र में विधेयक कानून कब बनेगा, जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति पास कर देंगे तब। और राज्य में कब विधेयक कानून कब बनेगा, जब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल पास कर देंगे तब। और विधेयक किसे कहते हैं, ये किसी भी विषय को सदन में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। अब जिस प्रकार केंद्र में पढ़े थे हम लोग सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग सामान्य विधेयक, धन विधेयक पढ़ेंगे। संविधान संशोधन विधेयक को बदलाव करने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है। परंतु अगर राज्य में कोई कानून चेंज होता है, अगर राज्य में कोई कानून चेंज होता है
तो राज्यपाल उसको अपने पास रख सकते हैं और राष्ट्रपति के समक्ष भेज सकते हैं। राष्ट्रपति फिर दोबारा अगर तो या तो पास हो जाएगा तो कानून पास हो गया, फिर विधानसभा में आ जाएगा। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा राज्यपाल विधानसभा को भेज देंगे। ये पढ़ेंगे तो सामान्य विधेयक और धन विधेयक मूलतः यहाँ पेश होता है कहाँ पर? राज्य में। अब देखिए केंद्र के सामान्य विधेयक और धन विधेयक, राज्य के सामान्य विधेयक धन विधेयक किस प्रकार का अंतर है? सामान्य 107 था यहाँ, 110 और 358। यहाँ सामान्य विधेयक में 196 और 199। सामान्य विधेयक राज्य में 196 है और धन विधेयक 199 है। अब हम लोग उसी प्रकार कंपेयर के रूप में पढ़ेंगे। कंपेयर के रूप में पढ़ते हैं, कंपेयर के रूप में पढ़ते हैं। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे कि केंद्र के सामान्य विधेयक अनुच्छेद 107 था, यहाँ राज्य के सामान्य विधेयक अनुच्छेद 196 है। देखिएगा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है, पर यही अंतर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। यही अंतर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको हम अभी नहीं बताएंगे, पर बीच में जैसे जैसे आएगा बताते जाएंगे कि आपको क्लियर होता जाएगा। यही छोटा अंतर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इस पर ध्यान देंगे। ये केंद्र के सामान्य विधेयक में पढ़े थे कि सामान्य स्तर का विषय कोई भी होगा, केवल पैसे वाले को छोड़ करके, पैसे वाले विषय को छोड़ करके कोई भी विषय आएगा सब सामान्य विधेयक में आएंगे। सामान्य स्तर के विषय को शामिल करेंगे, सामान्य स्तर के विषय शामिल होते हैं। यहाँ भी सेम, सामान्य स्तर के विषय शामिल होंगे, यहाँ भी होंगे। ये पढ़े थे कि केंद्र के समान विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना अनुमति के बिना संसद में पेश किए जाते हैं। यहाँ भी सेम, यहाँ राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे? राज्यपाल के अनुमति के बिना। यहाँ पर संसद में कहीं भी पेश होगा, यहाँ पर विधानमंडल में, मतलब विधानसभा या विधान परिषद में पेश किए जाते हैं। यहाँ लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश होगा, किसके अनुमति के बिना? राज्यपाल के अनुमति के बिना। यहाँ भी मंत्री या सदस्य पेश कर सकते हैं विधेयक को, यहाँ भी सेम। यहाँ पढ़े थे कि राज्यसभा किसी भी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने महीना? 6 महीना रोक कर रख सकती है। अगर समय सीमा के बाद भी पारित नहीं हुई तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत
ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे। कितना महीना रोक रहे हैं राज्यसभा? 6 महीना। अगर फिर भी पास नहीं हुआ तो कितने अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे राष्ट्रपति। परंतु यहीं पर अंतर थोड़ा सा है, ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर अंतर है। यहाँ पर विधान परिषद 6 महीना नहीं, प्रथम बार 3 महीना रोक सकती है तथा विधानसभा के द्वारा पुनः प्रेषित करने पर दूसरी बार 1 माह रोक कर रख सकती है। 1 माह के उपरांत समान विधेयक स्वतः मतलब अपने आप विधान परिषद से पारित हो जाते हैं। आपको धान विधेयक में यहाँ पढ़ाए थे, याद है कि समान विधेयक में अगर स्वतः पास हो जाएगा तो फिर तो राष्ट्रपति इसको संसद बैठे बुलाएंगे नहीं, क्योंकि अपने आप पास हो जा रहा है। तो यहाँ भी समान विधेयक के मामले में राज्य में अगर प्रथम बार 3 महीने रोक सकता है, दूसरी बार 1 महीने रोक सकता है, अगर फिर भी अगर पास नहीं हुआ तो समान विधेयक विधान परिषद स्वतः क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर स्वतः पास हो जाएगा तो राज्यपाल के द्वारा ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता। देखिए बहुत आता है क्वेश्चन कि राज्य के समान विधेयक में राज्यपाल ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं कि नहीं, तो क्या उत्तर होगा? नहीं बुलाते हैं। तो क्यों नहीं बुलाते हैं? इसका उत्तर ये है कि प्रथम बार विधान परिषद 3 महीना रोक सकता है, दूसरी बार 1 महीना रोक सकता है। अगर 1 महीना में अगर पास नहीं हुआ तो स्वतः पास हो जाता, अपने आप पास हो जाता। जब अपने आप पास हो गया तो विवाद रहा ही नहीं, जब विवाद नहीं रहा तो ज्वाइंट मीटिंग भी नहीं बुलाया गया। इसीलिए समान विधेयक धान विधेयक के मामले में राज्य में ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाया, यही बहुत बड़ा फर्क है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। ये सब तो खैर सेम है कि यहाँ राष्ट्रपति देंगे बिना अनुमति के, बिना राज्यपाल की अनुमति के, बिना सांसद लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी पेश करेंगे, यहाँ भी विधानसभा विधान में कहीं भी पेश करेंगे, यहाँ भी मंत्री और मेंबर पेश कर सकते हैं, यहाँ भी मंत्री मेंबर पेश कर सकते हैं। जब केंद्र के समान विधेयक में राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीटो पावर बताए थे आपको, 3 प्रकार का वीटो है, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जीवी वीटो। हूबहू राज्यपाल भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा विधेयक को मंजूरी प्राप्त होती है या कानून बन जाता है। यहाँ भी इसी प्रकार, यहाँ भी विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल के द्वारा अनुमति मिलने पर सामान्य कानून बन जाता है।
थोड़ा सा अंतर था यहाँ पर। यहाँ भी समान स्तर के विषय को शामिल करेंगे, यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरत नहीं है, राज्यपाल की यहाँ भी जरूरत नहीं है। कहाँ पेश करेंगे? तो लोकसभा या राज्यसभा में। तो यहाँ भी विधानसभा या विधान परिषद जहाँ पर रहेगा वहाँ पेश करेंगे। यहाँ भी मंत्री मेंबर पेश कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। परंतु राज्यसभा 6 महीने रोक सकती है, और 6 महीने में भी अगर विधेयक पास नहीं हुआ तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे अनुच्छेद 108 के तहत। परंतु विधान परिषद में ऐसा नहीं है, विधान परिषद प्रथम बार 3 महीना रोक सकती है, 3 महीना में दोबारा विधानसभा को भेजेगी। अगर विधानसभा दोबारा भेज देती है तो 1 महीना रोक सकता है। अगर 1 महीना में भी अगर पास नहीं हुआ तो समान विधेयक विधान परिषद से स्वतः पास हो जाएगा। इसीलिए राज्यपाल यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाएंगे। केंद्र के समान विधेयक में पढ़े थे राष्ट्रपति वीटो पावर लगा सकते हैं, तो राज्य भी वीटो, राज्यपाल भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तीनों का साइन हो जाएगा तो सामान्य कानून बन जाएगा, और यहाँ भी तीनों का साइन हो जाएगा तो सामान्य कानून बन जाएगा। अब एक धन विधेयक बचा हुआ है और संविधान विधेयक कुछ और बताएंगे इसमें, इसको अगले क्लास में या अगले बार बताएंगे इसको। यहाँ तक अगले टॉपिक में इसको रखेंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं अब यह समझ में आया होगा, कल पुनः इसको रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।